नमस्कार फ्रेंड्स, देवनगरी उत्तराखंड के द्रोण नगरी से मैं आपकी होस्ट संगीता। तो आज द्रोण नगरी से हम जा रहे हैं पहाड़ों की रानी यानी कि मसूरी की ओर। तो मसूरी में ससुराल जा रही हूँ, मसूरी के पास मेरा ससुराल है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो देखिए इन वादियों में, सुंदर वादियों के बीच हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी जा रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा फुटेज ले लें। ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की फुटेज। तो ये देखिए वेदर, देखिए कितना सुंदर हो रखा है। तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप भी मज़े लीजिए। इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में देखिए यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं। तो ये गांव की मेरी सास लगती हैं, तो वो काम कर रही हैं। तो सामने ही एक लेडी और काम कर रही थी। तो देखिए गांव की महिलाएं कितना काम करती है, पेड़ पे चढ़ के पत्तियाँ काटती है, गाय बैलों को बकरियों को पालती है। देखिए तो किस तरह से चढ़ रही है और पत्तियाँ तोड़ रही हैं। तो आज बच्चों ने भी श्रमदान किया, चाचू के साथ लगे रहते थे बच्चे काम करने पे। चाचू रास्ता बना रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा बच्चे भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। मिलजुल कर एकता से काम करते हैं, एकता में बल होता है। तो ये चीज़ आप इस फुटेज से देख के पता कर सकते हैं कि किस तरह से बच्चे देखिए श्रमदान कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए, हमारे लिए बन रहे हैं आज चीले। तो चीले और पीछे बन रही है खीर। तो बस जब तक हम गांव में रहे, देवरानियों ने यही चीज़ें गांव की चीज़ें खिलाते रहे, बहुत अच्छा लगा। और हर रोज़ कुछ ना कुछ बनता रहा, कुछ नया पहाड़ी भोजन, तो बड़ा अच्छा लगा गांव में जाके। तो ये देवरानी चीले बना रही है, खीर बन चुकी है। और शाम को देखिए, ये सबसे हमारा नटखट बच्चा, इसका शैतानियाँ शुरू हो जाती थी। बड़े मज़े से हम बैठ के इसकी बातें सुना करते हैं। तो देखिए कितना हम मज़े लगाता है, तो आप लोग भी सुनिए। तो हम लोग सब बैठ जाते हैं और इसकी बातें सुनते हैं। ये मंत्र बोलता है, पता नहीं क्या क्या मंत्र बोलता है, घंटी बजाता है कंगी से, और चाचू को बोलता है आप शंख बजाइए और सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। आपने खोपड़ी भी बजाई हमारे मां ने, इतना बड़ा संकेत नहीं बजता किसी के लिए, और ये इतना बेकार बजाया है। तो इन दिनों के बीच में एक दिन मैं देवरानी के साथ मिर्ची की निलाई गुड़ाई करने गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे झोंके पड़ जाती है। तो आज तो धूप थी, तो एक दिन मैं भी धूप में निलाई गुड़ाई करने चली गई। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत देखिए हरियाली इतनी है, हरियाली देख के तो मैं वैसे ही मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। बहुत अच्छा लगा।
निलाई गुड़ाई पूरा खेत ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा पेड़ पे चढ़ लिया जाए, लेकिन पेड़ पर बतेरी कोशिश करी, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। तो मैंने कहा चल थोड़े से ऐसे ही मेरे थोड़े से फ़ोटो खींच ले और थोड़ा ले ले वीडियो। फिर मैंने रेखा से कहा कि मैं भी तुम्हारी भी फ़ोटो क्लिक करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तुम ऊपर चढ़ो। तो वो आराम से चढ़ गई और वो जब उतर रही थी तो मेरे तब तक जोंक चिपक गई पैर पे और मैं बहुत तेज चिल्लाई। घर लौटते हुए हाथ पैर धोने के लिए हम झरने के पास गए तो मैं थोड़ा फुटेज ले रही थी तो रेखा ने कहा कि आगे मत जाओ, आगे झोंके होंगी फिर आप डरोगी। तो मैंने थोड़ी सी ऐसे ही फटाफट से फुटेज ले ली और बाहर निकल गई। फिर हाथ पैर देखे, मैंने कहा नहीं झोंक नहीं है, फिर घर गए हम। तो ये है शाम का नज़ारा, देखिए आप लोग भी आनंद लीजिए इस नज़ारों का। हमारे दूसरे परिवार के लोग हैं, इन्होंने हमें खाने पे बुला रखा था तो एक दिन इनके घर गए। तो इनका घर बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, इनका घर दिखाऊं, देखिए कितना अच्छा। तो यहाँ पे सब चूल्हे पे खाना बनाते हैं, मोस्टली ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, हीटर भी है और इंडक्शन भी सबके घर में है, लेकिन जो मज़ा चूल्हे की रोटी का है वो मज़ा कहीं नहीं है। तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा ले लेती हूँ इस घर की फुटेज, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना टाइप का है। अभी देखो धरोहर बहुत कम बची हुई है, तो ऐसी धरोहर मुझे दिखाई देती है तो मैं उनका वीडियो ज़रूर लेती हूँ। तो कई दिन रहने के बाद हम अब चलती हैं अपने घर की ओर, यानी कि दूसरा घर जो कि दून में है। तो हम चल दिए अब द्रोण नगरी देहरादून की ओर, सारी छुट्टियाँ बिता कर। होता है गाड़ी में तो मेरे कई स्टॉप है वो पहले से बंधे हुए हैं, अब तो मैं बहुत कम
गाड़ी रोकना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मक्की ज़रूर खाती हूँ। तो एक बार तो एक मक्की के दो टुकड़े करके एक मैंने और एक इन्होंने खाए। तो दूसरी मक्की जब भून कर आई तो शानू ने कहा कि मम्मी आप खाओगे, तो मैं कहाँ बिल्कुल खाऊँगी। तो दोबारा भी तीन शेयर करे गए, तो एक मैं, एक शानू और एक निशाद के लिए। तो जी सफ़र हो गया है कंप्लीट। तो हम पहुंच गए हैं अपने देहरादून। और आपको कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, नया दिन नई सोच और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।